Assalamu alaikum everyone. I am not fine and that's perfectly fine because I am in the healing process. और मैं आपको पूरी आज स्टोरी बताऊंगी कि हुआ एग्जैक्टली क्या, क्योंकि कल की वीडियो जो आपने देखी है उसमें आपको बताया कि मैं हॉस्पिटल गई थी. आई वॉज ऑन व्हील चेयर, आई हैड अ स्टिक इन माई हैंड एंड आई कुडंट मूव माई बॉडी एंड अ लॉट हैपेंड. सो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल. But before that, let me tell you, if you guys haven't subscribed yet, subscribe my channel, like the video. आज है जी, आज है फ्राइडे और मेरा ये पहला फ्राइडे है जिस दिन, जैसे एक दिन पहले मैंने नहाई नहीं, गुसल नहीं किया प्रॉपरली और कोई तैयारी नहीं की फ्राइडे की. बट नॉर्मली यही होता है कि फ्राइडे को आप बड़ा इत्माम कर रहे होते हैं. सो खैर, अभी हम कोशिश करेंगे किसी तरह हम बात ले लें किसी हेल्प से. कैमरे में देख के पता नहीं चलता कितनी मिर्ची और कितनी नहीं है. नाश्ता मैंने कर लिया है, ऐसा नहीं मुझे सब ठीक ठाक, बस डॉक्टर ने कहा रेस्ट करें और अपना ख्याल रखें, ऑफ करें, ऑफिस ना जाएं अभी. बस अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ते का रेस्ट है, शायद फिजियोथेरेपी होगी, पता चलेगा इस बार कि कितना रेस्ट करना है, एक हफ्ता या दो हफ्ते. ठीक हो जाएगा ना जब तो फिर. नहीं नहीं जा रही, हालत नहीं है मेरी. छुट्टियाँ आजकल छुट्टियाँ हो रही हैं. अल्लाह ना शुक्र है पुत्र, तू अपनी सुना के हाल वाली सुनया वाल ले रही. मैं बस ठीक आंटी, थोड़ा सा अम्मी अब थोड़ा सा आंटी मुझे वो मसल मेरा पुल हो गया, जिस तरह कहते हैं कि पीछे वाली ना बैक. वो नाश्ता मैंने अभी ख़त्म किया, बस बासत अभी अभी चले गए हैं. आयजा ने मुझे दूध बना के दिया था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ये देखिए, ये वाला दूध है, इसमें सिर्फ पत्ती है, बिल्कुल थोड़ी सी पत्ती और चीनी है. ये उसने मुझे दिया, मैंने पिया प्रॉपरली और शुक्र है कि मतलब थोड़ी सी ना रिलीफ मिली है. मैं आपको पूरी स्टोरी अभी बताऊंगी आगे कि मुझे हुआ एग्जैक्टली क्या था. कॉल पर तो आपने आधी बातें सुनी लेनी है अभी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरी इतनी तक की तबीयत ख़राब है, दर्द है मुझे. आई विल टेल यू, कुछ ऐसे ही है. इस वक्त मैंने जो है वो ये बासत अभी अपनी रात की जैकेट पड़ी हुई थी, टॉवल यूज़ किया वो वहीं पड़ा हुआ है. फिर ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, ये बेड अभी सेट होने वाला है क्योंकि बासत अभी गए हैं. मैंने नाश्ता किया है आप लोगों के सामने, यहाँ पे मेरी स्टिक पड़ी हुई है ये वाली, पानी दवाइयाँ ड्रॉर्स में, और ये मशीन है जो मैंने अपने यहाँ पीछे रखी हुई है और रात में नीचे रख के सोती हूँ इसको मैं, क्योंकि ये हीटिंग पैड है और प्रॉपरली ये मशीन मुझे हीट देती है ना. सो या आई टेल यू एवरी थिंग इन डिटेल कि क्या हुआ है और क्या नहीं है. पहले दूध फिनिश करते हैं, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करते हैं. मैंने बुलाया कि आयजा आए मेरा रूम सेट करे, मुझे अम्मी के कमरे में लेके जाए क्योंकि मुझे अब अकेले बैठ के यहाँ उलझन हो रही है. आए अम्मी आई थी, उस तरह से बात कराई है मेरी आंटी से भी. मैंने कहा तुम मुझे उधर ले जाओ क्योंकि मशीन ऑफ कर दो. पता नहीं मुझे, मैं कहती हूँ मैं साफ कर लूंगी पर मैं मुंह में नहीं बचोगे सकती. मेरे डाल दिया आपने, और उसमें तो पानी नहीं है. मम्मी ये बोतल से डाल दो, अगर मम्मी दे दें पानी. जितनी बनाई है वही पड़ी है जो तुमने नहीं ढूंसी. कौन सी वाली? ये मेरी है, इसमें तो दही डाला था. अच्छा वो वाली, ये दही वाली है जो कोलिया सी दही विच कैसी दही है वो भी नहीं कुटने हुई सही. मारा प्याला चाहिए ना, ना दवाई के इंसान है और अच्छा जिस पीने पी के ना. चलो जी स्टार्ट होएगी म्यूजिकल. ना जाए मेरी कमर दुखती है, एक नवाला दे. हाथ में देंगी या मुंह में? मुंह में ही दे देना, मैं मरीज हूँ. मरीज आ तो नहीं है टुकड़े हाथ से ना, मैं तो कमर दुख रही है.
ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬੱਚਾ लिया। साढ़े चार निकलेंगे ना तुम अब्बू के साथ, हाँ, और तुम अपनी एकेडमी चले जाना क्योंकि आगे बैठोगी ना तो झटके भी नहीं लगेंगे। आगे मैं कल बैठी हूँ ना, बैठने ही नहीं ना होता। पहले तो मसला ये है कि बैठने का और निकलने का इतना मसला है ना मेरा कि झुकना पड़ता है। हाँ, फ्रंट पे भी बैक पे भी दोनों पे। इवन देन तो हम वापसी पे अच्छी गाड़ी में ये वाला जो अच्छा ये अम्मी मेरा व्लॉग देख रही हैं अभी और बच्चियां भी मेरा व्लॉग देख रही हैं। मुझे टॉफी मिली, मेरी भी टॉफियां इन्होंने खा ली थी जी। सब कुछ खा गए, सारा कुछ बासी थे, कुरकुरे, जलेबियां, समोसे, एवरीथिंग, सारा कुछ इसे यहाँ से चौफियां यहाँ रखी हैं, उसने मुझे दी हैं अपने भी, इसने भी, राबेल ने भी, इन्होंने सारी खा ली। इस वक्त मैं अम्मी के कमरे में लेट गई हूँ बैठ बैठ के, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी और मेरे से नहीं बैठा जा रहा था और आयजा ने मुझे पकड़ा है, यहाँ लेटाया अम्मी की चारपाई पे और मेरी सारी चीज़ें यहाँ रख दी हैं। मैं बैठ के व्लॉग एडिट करूँगी। इस साइड के ऊपर तहरीन बैठी हुई है। 12:30 हो रहे हैं, जुमे का टाइम हो रहा है, लेकिन मैं नहीं नहा सकती। तहरीन बैठ के मेरी व्लॉग देख रही है, दो दिन पुराने मोए। अच्छा अभी ऐसा कही है मेरे रूम में, कह रही है कि कपड़े चेंज करें। मैंने कहा मैंने नहाना, उसने मुझे नहीं नहाने दे रही, कह रही है कि आपको ठंड लग जाएगी। ऑल्दो आई हैव चेयर इन माई बाथरूम और वही मुझे बिठा के सब कुछ करेंगे तहरीम ऐसा और राबेल, लेकिन ओबियसली मुझे डॉक्टर ने कहा आपने कमर गर्म मचे नहीं, मैं बच्चे नहीं है अभी मेरे, मैं खुद बच्ची हूँ तो स्किन इज़ एक्सट्रीमली ड्राई। ये देखें मेरी स्किन, पता नहीं क्या हो गया, बिकॉज डेफिनेटली आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ प्रॉपरली, दे आर हेल्पिंग मी आउट। बस अभी फिर मैं नहाऊंगी नहीं ओबियसली, और जुम्मे के लिए इस दफ़ा कोई गुस्सल शुसल प्रॉपरली नहीं हो रहा जैसे हमेशा एक दिन पहले उस दिन हो जाता है। ये तमाम अभी आयजा गई है लोशन वेट वाइप्स लेने, मेरा मुँह साफ करेगी, सन ब्लॉक बिबी, ये सारी चीज़ें लेके आई है अभी, टिंट भी लाइए, मुझे भी वाइप दो, बेबी को भी वाइप दो, बेबी को। लाइनर लगाने के लिए नहीं, अपनी नहीं आपके, मैंने तो एकेडमी जाना है ना, मेरा नादिया, हाँ, सिर्फ साइड पर, बस लंबा ना के नादिया, अच्छा नाम, तुम मुंह बंद रखो ना, मुझे कुछ बोल, वाह जी वाह। कोई साफ करना था तो छोड़ो, अच्छा नहीं लगा, हाँ। कॉर्नर में मैं खुद को लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, हाँ लगाओ चलो लगा। एंड शी एंडेड अप अप्लाइंग हर ओन लाइनर, आप उठाओगी? वो
कालू को दो, कालू को, कालू शिदा की, कालू कालू शिदा दे। ओ भाई पेट पे ना चढ़, पेट पे ना चलो, पेट पे ना चलो शहजादी। लाइटें बेशक ऑफ कर दो, तेरी सारी लाइटें ऑफ कर दो, ये मेरे साथ सोएगा, मुझे छोएगा। बाय। मम्मी कहती है बहुत पंगा है इसकी, बहुत पंगा है। शहजादी सो जाओ, चलो सोए, तुम्हें सोए सोए करें तुम्हारे साथ बेबी को। उफ उफ उफ, नींद आ जाती है फौरन से अगर मैं तुम्हें अपने लजाई में लग दूँ ना, और आपको पता चले कि अंदर कितनी हीट है इस हीटिंग पैड की, तो आप तो सोच हो के मर ही जाओ। अभी सब चले गए हैं रूम से, मैं इस वक्त रूम में हूँ और अम्मी के, अम्मी बाहर हैं गार्डन में, न्याज बोर पता नहीं क्या क्या तोड़ रही हैं और कुछ लगा रही हैं, कुछ उगा रही हैं। अम्मी तहरीन जो है अपना पढ़ने चली गई, क्योंकि 4 बजे उसने अकेडमी चले जाना है। राबेल जो है वो अभी उठी थी थोड़ी देर पहले, बिकॉज रात लेट तक वो मेरे साथ थी, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी। तो 12 तकरीबन 12 के करीब उठी है। आयजा ने पूरा मुझे पैम्पर किया आज सुबह से लेके अभी तक, आयजा ने सारा कुछ किया, और अब्बू बाहर बैठे हुए हैं टीवी लाउंज में। सो मैं यहाँ लेटी हूँ बस, मैं वो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और ब्लॉग एडिट करूँगी, एंड दैट्स इट। खाना ले लो, आ जाओ, मैं पूरी नहीं खाऊंगी, खत्म हो जाएगा तेरी। खाओ ये तो, ये तो मुँह में डालू तुम्हारे बेटे, खत्म रात की रोटी हमारी, हम फ्राई करके खा रहे हैं मजे की, और साथ कड़ी और आलू गोभी, रिश्तेदार मिर्चेदार। वो पैकेज ले लिया था, पूछ लिया था, दवा वाला था भी है। चलो चल चेक, तो कहाँ रखनी है व्हील चेयर, कहाँ रखनी है? कोई मतलब नहीं, गाड़ी भी टाइम है, चलो आ जाओ। 5 मिनट है, 2-3 मिनट है, भूख लग रही है। The car will be here in 1 minute. 1 minute. गद्दी भी लाए हम साथ, गद्दी जा रहे हैं हम गाड़ी की तरफ, हमारी गड्डी आ गई है, गड्डी ये ले लो। वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं, और थेरेपी हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इट टुक मी 1 hour 45 minutes for the session. I'll explain you how it all happened. मैं बस अभी घर आई हूँ, और घर आते सारी हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो अम्मी ने आयजा और आबिल को दोबारा मार्केट भेजा, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अम्मी मेरे पास बैठी हुई थी, अभी वो लगाई हैं, तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला है। मैं इस वक्त लेटी हुई हूँ, मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया था वहाँ पे, बिकॉज जब मेरा सारा प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो इतनी नींद आ जाती है, डिजी डिजी ड्राउजी आप फील करते हो, और उसके बाद जब मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं जन्नत से थी, जन्नत से दोजख में निकल आई हूँ। सो खैर बस अब यही है कि घर आई हूँ, मैं आपको पूरा बताती हूँ कि किस तरीके से सारा प्रोसेस था, क्या ट्रीटमेंट था और हुआ क्या था, क्योंकि मैंने आज के व्लॉग में आपको सारी डिटेल्स देनी थी। आप सब बहुत परेशान हो, मुझे बहुत दुआएं भेज रहे हो, इतने कमेंट्स कह रहे हैं सारे। मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है, आयजा ने मुझे पूरी हेल्प की है लाइक, एंड द स्वीटेस्ट पार्ट इज़ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह,
लोगों के इन लॉ सपोर्टिव नहीं होते, नॉर्मली यही होता है, देखा जाता है। और आप ज़रा सा ख़राब हो जाते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप उठ के अपनी अम्मी के घर चले जाते हैं या फिर भेज दिया जाता है आपको, विच इज़ टोटली फाइन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स जैसा कोई आपको कर सकता है ख्याल, और माँ से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी जिस तरह से मुझे स्पेसिफिकली अम्मी की तो सेहत उस तरह नहीं है एंड वो अपने अपना भी उस तरह नहीं बहुत मैनेज कर पाती, आई साइड का भी मसला है, टांगों का भी काफ़ी ज़्यादा, और हेल्थ वाइज भी शी इज़ नॉट दैट वेल। लेकिन बच्चियों में राबेल एंड आयजा थ्रू आउट दे हैव लाइक दे हैव पुट इन सो मच एफर्ट्स इन मी, और मुझे लगता है कि जो मैं इतनी जल्दी रिकवर हुई शायद एक तो होप की वजह से कि ठीक हो जाऊँगी और कुछ नहीं हुआ और उसके बाद ये कि उन्होंने फ़ौरन से ना मुझे मतलब ट्रीट करना बच्चों की तरह बिल्कुल, अभी मतलब मुझे खुद भी फील हो रहा था कभी कभी कि मैं इतनी बड़ी एडल्ट हूँ और मैं उनसे भी बड़ी हूँ माशाल्लाह। एंड देन डेफिनेटली जब आपकी शादी हो जाती है तो आप इतने बड़े ना भी हो लेकिन आप कंसिडर यही होता है कि आप बड़े हैं ऑब्वियसली, लेकिन द वे दे हैव ट्रीटेड मी एंड द वे दे हैव मैनेज्ड एंड रेस्क्यूड मी थ्रू आउट बिल्कुल डे वन से लेके इट्स थर्ड डे एंड अभी स्टिल आई एम बीइंग पैम्पर्ड। मैं अभी भी बैठी हुई हूँ अपनी स्टिक लेके क्योंकि मैं नहीं उठ सकती, मैं नहीं खुद चल सकती, और बीच में मसला ये हुआ कि मुझे फ्लू भी स्टार्ट हो गया तो मेरी कमर का तो एक वो जो दर्द था ही, उसके साथ जब मैं स्नीज करती थी या रास्ते में जब मतलब मुझे ड्राइव करते हुए स्नीजिंग होती थी तो मेरे बहुत बुरा हालत होती थी। हुआ ये था कि मैं ऑलमोस्ट आप कह लें वेंसडे की बात है, मंडे को मैं स्कूल गई हूँ, ठीक है, आई डिड एवरीथिंग स्कूल में प्रॉपरली, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत अपसेट थी और मुझे थोड़ा सा ना बॉडी जैसे आपको कहते हैं होता है ना फील कि बॉडी एक और पेन और फटीग टायर्डनेस इस तरह से, ऑल दो एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद गई थी बट स्टिल इट हैपन्स ह्यूमन बॉडी है, कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। अच्छा फिर मैंने मंडे के बाद छुट्टी कर ली ना, आई डिड ऑफ ऑन ट्यूजडे एंड इवन वेंसडे, मैं दो दिन लगातार नहीं गई। मैंने आप लोगों को अगर पिछले ब्लॉग्स में अटैच कर देती हूँ, आप लोगों को मैंने बताया भी था मैं नहीं गई, ठीक है। अब उसके बाद हुआ ये कि जब मैं ऑलमोस्ट वेंसडे आया ना, तो वेंसडे को दिन में मैं लाइक धूप में बैठी हुई थी और थोड़ी देर पहले मैं अपना व्लॉग मैंने एडिट किया है धूप में बैठ के, मैं जो है वो नेक्स्ट व्लॉग का देख रही हूँ कंटेंट साथ साथ, मम्मी के साथ बातें कर रही हूँ, उठी हूँ दो मिनट के लिए एंड आई वेंट टू राबेल एंड आई ट्राइड हेल्पिंग हर, उसके लिए मैं थोड़ा सा झुकी हूँ कोई चीज़ उठाने के लिए, मैं लाइट सी बेंड हुई हूँ, बिल्कुल हल्की सी बेंड हुई हूँ, जैसे नॉर्मली आप होते हैं ना एक तो पूरा झुक जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं पाँव के बल, वैसे नहीं मैं बेंड हुई हूँ सिर्फ, और आप सोचें कि मेरी कमर ऐसे जैसे टूट गई है और उसके बाद मैं बिल्कुल मतलब मैं आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मतलब आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टेड शाउटिंग बैडली, अम्मी आ गई, अम्मी बैठी हुई थी वहाँ ऑब्वियसली, उन्हें टाइम लगता आने में, राबेल काम कर रही थी तो वो भी एकदम से भागती हुई आई मेरी तरफ, क्योंकि अगर वो ना आती तो ऑब्वियसली मैं दीवार के सहारे पे थी और मैं खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती थी मेरी बॉडी और मैं बिल्कुल गिरने वाली थी। इन दोनों ने मुझे पकड़ा, आयजा अंदर थी, आयजा भी फ़ौरन से मेरी चीखों की आवाज़ सुन के आयजा भी आ गई और उसके बाद वो फ़ौरन से प्लास्टिक चेयर लेके आई। अब ये लोग कोशिश करें कि ये लोग मुझे बिठाएं, ऑब्वियसली इनका यही था कि मुझे रेस्क्यू करने के लिए बिठाना है ना, कि हुआ क्या उन्हें समझ नहीं आ रही थी, और मैं सिर्फ कहूँ कि मेरी कमर टूट गई है, मेरे सिर्फ ये था। राबेल ने मेरी कमर पकड़ ली, ऑब्वियसली सब ने थोड़ा सा मतलब उस वक्त मुझे रेस्क्यू करने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे हुआ क्या और मैं पैनिक हो गई थी, बहुत स्ट्रेस हो गई थी, क्योंकि ना मतलब आई जस्ट कांट टेल यू एंड आई कांट रिवाइंड एग्जैक्टली, मैं प्रॉपरली रिवाइंड भी नहीं ना करना चाहती हूँ मैं एग्जैक्टली कि हुआ क्या था। सो या बस उसके बाद ये हुआ कि मैं कुर्सी पे किस तरह बैठी हूँ, उन्होंने बासित को, आयजा ने फॉरन कॉल की, बासित विद इन 10 मिनट्स लाइक ही रीच्ड और बासित आए हैं, बासित ने मुझे उठाया और सबकी हेल्प से, डेफिनेटली बासित बिकॉज बीइंग अ मेल मेंबर ही इज मोर पावरफुल, तो उन्होंने मुझे उठाया एंड देन वी वेंट इनसाइड। अम्मी के कमरा नियरेस्ट था मेरा बाहर गिराज से, तो अम्मी के कमरे में इन्होंने मुझे लेके गए हैं और फ़ौरन से जो है ना बिठाने की, ऑब्वियसली पहली चीज़ ये थी कि बिठाने की, और उनका सोफ़ा में बिठाते हैं, यार मैं चीखे मारूं और मैं एक एक फीट उछलूं मेरे से तो हो ही ना, बैठने ही ना हो। उसके बाद ये हुआ कि मैं बहुत मुश्किल से इन्होंने बिठाया, मुझे दर्द हो और दो दिन तो मतलब इसी तरह होता है कि दर्द होता रहा। अब उस दिन ऑब्वियसली बासित ने कहा कि हम डॉक्टर के चले जाते हैं, ठीक है तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, लेकिन रिलैक्स क्या करूं कि मतलब मैं तो चलने की कंडीशन में ही नहीं थी और मुझे किस तरह डॉक्टर के लेके जाए, एम्बुलेंस बुलाएं, व्हील चेयर पर लेके जाएं, बिकॉज आई वॉज नॉट इन द कंडीशन, आई वॉज नॉट, आई वॉन्टेड टू गो टू द वॉशरूम एंड आई कुडंट गो, मैं नहीं कर सकती थी, मतलब मैं नहीं जा सकती थी, आई कुडंट मूव माई बॉडी, द फर्स्ट डे वॉज पैथेटिक, आई जस्ट कांट टेल यू गाइस।
फिर ये हुआ कि रात तक वी वेटेड लेकिन इट वॉज नॉट फाइन. पूरी रात मैं तड़पती रही हूँ, ठीक है, करवटें मुझे बासित ने चेंज करवाई हैं और रात तकरीबन 1:30-2 बजे तक राबेल मेरे साथ रही है, आयजा मेरे साथ रही है, खाना भी उन्होंने खिलाया है और मतलब जो वॉशरूम भी वही लेके गए हैं, सब कुछ ही पहले दिन वेंसडे की बात है उन्होंने किया. फिर आ गया थर्सडे यानी कल का दिन, ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया कि मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक एंड वो हंगर गेम्स वाली वीडियो आपने देखी. अब उसमें यह था कि मैं बैठी हुई थी ऑब्वियसली थर्सडे को और सुबह में मैंने सनब्लॉक सारा लिया और मेरा यही प्लान था कि बासित ने फिर कॉल की हॉस्पिटल कि हम इस तरह से लेके आना चाह रहे हैं, तो ऑर्थोपेडिक में कॉल की, किसी ने रेफर किया, हम गए हैं. डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका तो ज़रा सुअर एक्यूट केस है, आप इस तरह करें कि आप प्रॉपरली फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर लें क्योंकि इसके अलावा कोई है नहीं. मतलब वो डिक्लेरॉन वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं, उससे टेम्परेरी रिलीफ होता है, पेन रिलीफ जो कि ओबियसली है, लेकिन थेरेपी वॉज द ओनली सोल्यूशन दैट कुड हेल्प एट दैट टाइम और इन फ्यूचर भी, मतलब इन द लॉन्ग रन उसी ने करना था 1-2 हफ्ते लगा के. खैर थेरेपी स्टार्ट की है आज से, आज है फ्राइडे और कल पहला थेरेपी का सेशन, हम हॉस्पिटल गए थे सारे ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन के बाद वी टुक द फर्स्ट सेशन एंड आज ये है कि आज हमने पूरा वो पैकेज ले लिया है 5 डेज लाइक अ वीक का और डेली अब थेरेपी होगी हमारी, डेली थेरेपी ऐसे होगी. अब स्टिल माई फोन इज लाइक हैविंग सो मच नोटिफिकेशन, यहाँ यू मेरा फोन, मेरा व्हाट्सएप, मेरा यूट्यूब बज रहा है और इतने मैसेजेस, मैंने व्लॉग अपलोड किया है और इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के. आई जस्ट कैन थैंक इनफ टू ऑल द पीपल हु आर लाइक यू नो द सपोर्ट सिस्टम, द पीपल हु आर सपोर्टिंग डेफिनेटली एंड माय फैमिली हु इज लाइक एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड लविंग आई मस्ट से. और बस ये है कि आज फिर मैं हॉस्पिटल गई हूँ अपना दूसरा फिजियोथेरेपी का सेशन लेने लिया है. ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन था जिसमें सबसे पहले तो वो मुझे थोड़ा रिलैक्स करती हैं मेंटली भी इमोशनली भी, उसके बाद लिटाते हैं एक स्ट्रेचर के ऊपर और एक सेपरेट रूम में, फिर वो कुछ पैचेस लगाते हैं, नहीं उससे पहले वो लगाते हैं जेल और जेल से प्रॉपरली वो हैंड से आपको मसाज दे रहे होते हैं और जेल बहुत कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है आपको, ठीक है, स्लाइड करते हैं उसके ऊपर हैंड्स. उसके बाद होता है कि आपका जो है वो मशीन होती है जिसके ऊपर 4 पैचेस एक साइड पे लगते हैं कमर के ऊपर आपकी नेकेड बॉडी पे और 4 पैचेस आपकी दूसरी कमर की साइड जहां जहां एक्सपेक्टेड होता है कि आपको पेन हो रहा है, जो मैं उनको बताती हूँ उन प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर वो लगाते हैं. उसके बाद उसको वो ऑन करते हैं तो ना ऐसे लगता है कि बॉडी के ऊपर ना कीड़े चल रहे हैं. ऑब्वियसली उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन किया था कि आपको ऐसा लगेगा. फिर ये सारा होता है, इसके बाद ये होता है कि अब ये हो गया ऑलमोस्ट कोई 20 मिनट्स यानी 40 मिनट्स मशीन लगी रहती है, 5-10 मिनट्स मसाज होता है, ये हो गया ऑलमोस्ट 30-35-40-50 मिनट्स हो गए इन टोटल सम अप करके इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू टेल यू गाइज. और उसके बाद लास्टली होता है कि एक मसाजर होता है, मसाजर से जो है वो मसाज करते हैं प्रॉपरली जो नॉर्मली घरों में भी यूज करते हैं. अब मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली कैसे क्योंकि मेरा मुंह दूसरी साइड के ऊपर होता है और बैक पे सब कुछ हो रहा होता है मेरी एंड ऑल्सो राबेल स्टार्टिंग देयर विद मी. और उसके बाद लास्ट स्टेप ये होता है कि वो मुझे आज से जो उन्होंने शुरू किया है कि वो बिल्कुल लाइट सी एक्सरसाइज करवाती हैं, टांगों की फोल्डिंग होती है, ब्रिजेस होते हैं और उन्होंने कहा है कि आप ये घर पे भी कर सकते हो लेकिन डेफिनेटली घर की थेरेपी एक्सरसाइजेस में फ़र्क होता है. जो एक फिजियोथेरेपिस्ट और जो भी एक ऑर्थोपेडिक आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है वो घर पर तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी. सो यार ये वाली सारी चीज़ें थी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर बट अगेन वही वाली बात है कि मैं बहुत कोई अच्छा मैं नहीं कर रही. मतलब अभी मैं बैठी हुई हूँ आपको देख के लग भी नहीं रहा होगा कि मैं इतनी, मतलब जिसको कहते हैं ना प्रॉपरली आप मोहताज हो जाते हैं तो रियलाइजेशन होती है आपको जिस वक्त आप चल नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप करवट नहीं ले सकते. एक छोटी सी बात है यार, मैं अपने साइड टेबल से फ़ोन नहीं उठा सकती क्योंकि फ़ोन अगर आपका थोड़ा सा दूर पड़ा हो, डिस्टेंस पे हो, चार्जर की लीड लगी हो और थोड़ा सा यूँ हाथ करना हो ना तो कमर में इतनी खिंच पड़ती है कि मैं मतलब चीख रही होती हूँ फिर, तो मुझे कॉल्स करनी पड़ती हैं दूसरे फ़ोन से. तो एक फ़ोन मैंने साथ रखा होता है और एक चार्ज पे जब हो. तो बस ये वाली सिचुएशन है सारी. आई एम फीलिंग बेटर. फिजियोथेरेपी के दूसरे दिन में ही मुझे थोड़ा सा बेटर, इस तरह से कि जिस वक्त फिजियोथेरेपी हो रही होती है ना तो उसके आधे घंटे तक मैं एक सुकून में रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं जन्नत में आ गई हूँ. लेकिन ऑब्वियसली घर आने आने तक और फिर रिलैक्स्ड बॉडी को एकदम से डिस्कम्फर्ट होता है जब मुझे उतरना पड़ता है गाड़ी से और वॉक करके लॉन से पूरे गिराज से अपने रूम तक आना होता है, तो मुझे उस वक्त जो है ना एक अजाब लग रहा होता है. और डेफिनेटली फिर ये तो है लेकिन मेरी और कोई मूवमेंट नहीं है, तो मैं खुद भी चाह रही थी कि फिजियोथेरेपी से ही मैं अपना जो है वो जाके एक्चुअली करवाऊँ. और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा बिकॉज डेफिनेटली आई एम यंग एज वेल. लोग तो बूढ़े होते हैं और उनको मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. तो मेरा जो है वो मसल स्पैज़म में चला गया है और जो मसल स्पैज़म के प्रॉब्लम्स होते हैं जो लिगामेंट्स रप्चर होते हैं कुछ वैसे हुआ है मुझे और ये मेरी गलत बॉडी पॉस्चर की वजह से था. और बस इसका ट्रीटमेंट यह है कि मुझे फिजियोथेरेपी मिली हुई है, मुझे पैनाडोल्स दी हुई है उन्होंने और दैट्स अबाउट इट. इंजेक्शन वगैरह उन्होंने मुझे लगाए हैं पेन किलर्स के. बस इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है. आप लोगों की बहुत दुआएं चाहिए और सपोर्ट तो आप लोगों की ऑलरेडी है. मैं लिटरली सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, मैं व्लॉग्स करूं या ना करूं बिकॉज मुझे ना बहुत सारे ऐसे थे कि नज़र लग गई है और मेरे माइंड में खुद भी ये था ऑब्वियसली नज़र इज़ रियल बरहक है नज़र. लेकिन स्टिल अगेन एट द एंड ऑफ द डे इफ आई टेक इट एज अ जॉब एंड इफ आई टेक इट एज अ पैशन द यूट्यूब इटसेल्फ तो मतलब आई हैव टू डू इट एट द एंड ऑफ द डे. सो ना इट्स परफेक्टली फाइन. आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस कि जब भी आप मेरी वीडियोज़ देखें कुछ अच्छा देखें वीडियोज़ में, लाइक मेरी फैमिली को मेरे साथ देखें या मुझे कुछ अच्छा करते हुए देखें, कुछ अच्छा खाते हुए पहनते हुए कहीं अच्छी जगह जाते हुए देखें, कुछ अच्छा करते हुए देखें, खुश देखें स्पेसिफिकली स्पेशली फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखें जो नॉर्मली लोग इस तरह से नहीं दिखा रहे होते व्लॉग्स में अपने इन लॉज के साथ. ये एक फैक्ट है. तो बस आप लोग मेरे लिए दुआ कर दिया करें और माशाल्लाह बोल दिया करें. दैट्स अबाउट इट. दैट्स प्रीटी मच इट बिकॉज माशाल्लाह से आपकी नज़र दूर हो जाती है और नज़र तो प्यार की भी लग सकती है. तो आप लोगों का तो प्यार ही है डेफिनेटली और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं आई रिस्पेक्ट एंड लव यू गाइज अ लॉट. फॉर यू गाइज आई एम मेकिंग द व्लॉग्स एंड यू गाइज आर माई बिगेस्ट मोटिवेशन. माई चैनल हैज क्रॉस्ड 500 प्लस व्यूज जस्ट इन विद इन 15 डेज एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज. लाइक वॉच टाइम इतने वॉच आवर्स इतने कम टाइम में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल बट दिस हैज मोटिवेटेड डेफिनेटली मोटिवेटेड मी दैट आई विल डू डेली व्लॉगिंग एंड मे बी आई विल जस्ट 200 डेज डेली व्लॉगिंग इन विच आई एम सक्सेसफुल इन रिकॉर्डिंग 18 to 19 व्लॉग्स एंड दिस इज गन बी द 20th व्लॉग. सो या दैट्स अबाउट इट. आई विल कट शॉर्ट एंड आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग हियर. आई विल कैच यू गाइज टुमारो विद द न्यू व्लॉग. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू गाइज हैवन डन येट बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोज देख रहे होते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता और बेल नोटिफिकेशन की प्रेस ऑल पे कर दो उसको ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस फॉरन मिल जाएं जैसे ही मैं अपलोड करूँ. एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए या दुआ या कुछ भी कमेंट्स में लिख दे एंड या दैट्स अबाउट इट. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ योर फैमिलीज. आई विल कैच यू गाइस टुमारो विद अ न्यू व्लॉग. अल्लाह हाफिज़. बाय.